राख की तपिश, अहसन वाक्या। आओ मियाँ वाली वाले चलो उस्ताद जी। बस उसे उतार कर चल दी। वो एक लम्हे के लिए रुककर नए माहौल की खुशबू को महसूस करता रहा। वो अकेला ही बस से उतरा था। ये बात उसके लिए इत्मीनान देने वाली थी। चारों तरफ से बैसाख की धूप ने उसका स्वागत किया। सड़क से ज़रा फासले पर झोंपड़े में एक खासी रौनक थी। मिट्टी से लीपे हुए ऊंचे चूल्हे पर दूध का पतीला चढ़ा हुआ था। पास ही एक थाल में चीनी मिट्टी की धुली हुई प्यालियाँ रखी थी। शीशे के एक मर्तबान में चाय के साथ खाने के लिए रस भरे रखे हुए थे। एक थल के एक होटल का काउंटर और किचन था। उसके पीछे एक हमाचा धरा था जिस पर एक शख्स लेटा हुक्का पी रहा था। ग्राहक को आता देखकर वो सीधा हो बैठा और पतीले के नीचे आग दुरुस्त करने लगा। ये कल का है? ग्राहक को अखबार उलटते देखकर वो बोला। खैर, इसके बावजूद उसने चाय का ऑर्डर दे दिया। साई, चाय की पत्ती खत्म हो चुकी है, दोपहर की बस से आ जाएगी। लस्सी बना दूँ? नहीं। उसने जेब से पेंसिल से बना एक नक्शा निकाल कर देखा और फिर रास्ता पूछा। रीतवाला साईं, बीचों बीच का रास्ता लिया तो भूल जाएंगे। बेहतर है नहर की पटरी पकड़ दे। वो सामने टहली के दरख्त नहर के किनारे लगे हैं। उसने ब्रीफ केस उठाया। ऊंचे नीले खेत, पकी हुई गेहूं और बैसाख की धूप। उसे एकदम एहसास हुआ कि वो जवान है। कई अशआर और डोले टंपे याद आते गए। वो जानबूझकर खरामा खरामा चलता गया। थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखने और तसल्ली कर लेने की आदत भी पूरी करता गया। लेकिन सबसे बढ़कर इत्मीनान वाली बात ये थी कि वो बस से अकेला उतरा था। ये तो इस मुल्क के इंटेलिजेंस का हाल है। वो नहर के किनारे चलता रहा। नहर कुछ रोज़ पहले खुश्क हुई थी। आखिरकार घल्लू फकीर का डेरा भी नज़र आ रहा था। वो कुछ देर खुश्क नहर में उतरकर ठंडी ठंडी रेत पर लेट गया। सूरज डूबने वाला था। उसने एक बार फिर नक्शा निकाल कर देखा। वो उठा, नहर का किनारा छोड़कर डेरी की तरफ चल पड़ा। उसने छब्बे के नीचे कदम रखा। आओ कर्मों वाले, चारपाई बाहर बिछा दो। न सलाम न दुआ, ये खूब घल्लू फकीर है। खैर, उसने खाट छब्बे से खींचकर बाहर निकाली। फकीर कांपते हुए खिसकने लगा। हाथ बढ़ा और मेरे करीब आचल। जब उठ बैठ नहीं सकते तो जंगल में अकेले क्यों पड़े हो? उसने फकीर को सहारा देकर खाट तक पहुंचाया। पानी अंदर धरा है और लोटे में उबले हुए चने भी पड़े हैं, जो बच जाए ढक देना। बहुत खूब। उसने उबले चने खाए बगैर पानी पिया। आओ अब आग सुलगा दो, उपला बुझ जाएगा। फकीर ने दूसरा हुक्म जारी कर दिया। चूल्हे में एक उपला सुलगा हुआ था। वो उस पर कुछ झाड़ियाँ तोड़कर और एकाद मोटी लकड़ी रखकर वापस खाट पर आ बैठा। आग जली कि नहीं, वो दोबारा उठा और एकाद लकड़ी और चूल्हे में झोंक दी। धुआं उठने लगा। यही दो चार लकड़ियाँ बाकी है साईं, अगर इन्हें भी जला दूँ तो आपकी मजलिस का क्या बनेगा? सुना है आपके यहाँ सारी रात अलाव जलता है। करीब आओ, वो कुछ देर बाद बोला। आग जलाओ जवान, आग जलाओ, अलाव बनाओ। अगर अलाव न जला तो मजलिस कैसे जमेगी? भला धुएं पर मजलिस इकट्ठी हुई है कभी? आग सुलगाओ, तुम लकड़ियों की फिक्र न करो बड़े लकड़हारे। मजलिस की फिक्र करो लड़कियाँ, हर कोई अपने लिए जमा रखता है। वो मुस्कुराता हुआ दोबारा धुएं की तरफ देखने लगा। जलाओ प्यारे जलाओ, आग सुलगाने का भी एक मौसम होता है।
आग जलती गई और थोड़ी ही देर में लोगों का मेला सजने लगा। किसी के हाथ में झाड़ी तो किसी के हाथ में गन्ने। गन्ने तो हर किसी ने उठा रखे थे। एक से फकीर ने गन्ना लेकर उसे पकड़ा दिया। इसी वजह से लोगों को गलत फहमी होती थी कि फकीर मन की बूझ लेते हैं। उसे वाकई गन्ना चूसने की ख्वाहिश हो रही थी। लोग मजलिस के अलाव से ज़रा हटकर थड़े पर बैठे बातें कर रहे थे। साईं इजाज़त दे, प्रीत वाला जाना है। उसने उठकर वहाँ की विदाई के रिवाज का अंदाज़ा लगाया कि चलने से पहले फकीर के हाथ भी मिलाना पड़ेगा। उसने घल्लू फकीर के थड़े की तरफ हाथ बढ़ाए और आदत के अनुसार घड़ी पर निगाह डाली। अंधेरा हो गया है, वक्त मुनासिब है। जो ही महफिल जमी है तो तुम चल पड़े हो, किसी से डरते हो अजनबी? फकीर ने उससे हंसते हुए पूछा, लेकिन हाथ न मिलाया। उसने एक आखिरी शक की निगाह थड़े पर बैठे हुए हर शख्स पर डाली और चल पड़ा। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुकता और पीछे मुड़कर देखता और चल पड़ता। दोनों बहनें हैं बच्चा, एक स्कूल में पढ़ाती है और दूसरी बस्ती की औरतों को नीत नहीं नसीहतें और हिदायतें देती रहती है। पेशावर में पढ़ती रही है, असल में किरोड़ की रहने वाली है, लेकिन अब यहीं मुस्तकिल रह गई है। चल चल दे साईं मेरे। उसने अपने कड़े को भी हाँक लगानी पड़ती थी जिससे वो चकरा जाता। वैसे है वो भी भले मानस औरतें, भाई इन लड़कियों ने मर्दों से ज़्यादा औरतों को पढ़ा दिया है। बड़ी बहन तो बाकायदा पंचायत लगा बैठती है। आप मगरीबन ईशा के वक्त उनके घर जा रहे हैं, दोनों अकेली सोती होंगी। कड़े वाले ने उसे मस्तानी और उस उस्तानी के घर पहुंचा दिया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन भाई, कौन है इस वक्त? अंदर से किसी ने रेडियो बंद किया और किसी के कदमों की चाप दरवाजे तक आई। मिस रजी है, आप कौन हैं? मैं हसनी हूँ, प्रोफेसर ज़ाहिर शाह के हवाले से। वैसे मैं हसनी हूँ, 5 साल पहले। हसनी हसनी? इतने में उसने दरवाज़ा खोल दिया। अच्छा अच्छा हसनी, आओ भाई। उन दिनों आप सिर्फ मोटरसाइकिल चलाया करते थे। वो खिल उठी। हसनी ने देखा कि लालटेन की धीमी लो में वो थलकी आम औरतों वाला लिबास पहने किसी घर बार वाली औरत की तरह, जिसने अभी अभी रोते बच्चों को चुप करा के सुला दिया हो, उसके सामने खड़ी थी। उसके गालों पर हल्का हल्का पसीना दिख रहा था। गर्मी की वजह से कमीज के गले वाले बटन भी खोल रखे थे और उसके जिस्म पर कसी हुई बनियान साफ नज़र आ रही थी। हालांकि मौसम इतना गर्म नहीं था। भाई हम थे अजनबी और आप थे लीडर, हम आपको सिर्फ मोटरसाइकिल चलाते ही देखा करते थे। वो सहन में एक दो कदम चलकर वापस आ गई। बात यह है रजिया बीबी कि मैं मुश्किल से फंसा हुआ हूँ, हम जैसे के केस बन गए हैं। पता चला है कि तुम्हारी फाइल क्लोज हो चुकी है, मतलब ये कि आप नज़रों में छुपे रहें और मैं यहाँ छुपने आया हूँ, ये जगह महफूज होगी। फैजू फैजू उठो, मैं तुम्हें इनकलाबी दिखाऊँ। एक नई नवेली चारपाई पर बेखबर सो रही थी। रोज़ कहती थी कि कैसे होते हैं सो देख। उसने खुद असनी की खातिर मदारात शुरू की। आप पनाह लेने आए हैं, उसने ज़रा सोच कर कहा। अब आप यहाँ पर मेरी बहन
फैलचू के देवर हैं। समझे, यहाँ के लोग बड़े अजीबोगरीब हैं। वैसे इस बेचारी ने शादी की थी, लेकिन वो इसे छोड़कर कराची भाग गया। वहाँ ब्लड बैंक को खून बेचता है। वो ज़रा फासले पर पड़ी दूसरी चारपाई पर लेट गई। बिजली का पंखा यहाँ नहीं है, लेकिन थल में मच्छर ज़्यादा नहीं होते। आप छुपने आए हैं ना हसनी, तो अब छुपे ही रह जाओगे। होता ऐसे ही है, नौजवान आदमी हो, कहोगे मेरे साथ खामखा मजाक करती है। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनिए इसी कहानी का अगला भाग।